Tutorial 80, how to use optocoupler and track to control AC load. इस ट्यूटोरियल पे हम ऑप्टोकॉपलर और ट्रैक की सहायता से एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल करेंगे. अभी तक हम एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए 12 वोल्ट रिले का इस्तेमाल कर रहे थे. इस सर्किट में डेटा इनपुट के साथ साथ रिले के लिए हमें अलग से डीसी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता था और रिले के अंदर जो स्विचिंग होता था वो कि मैकेनिकल टाइप स्विचिंग होता है और इसी की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल करते थे. इस ट्यूटोरियल में हम इसकी जगह ऑप्टोकॉपलर और ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर ऑप्टोकॉपलर में हम MOC 3021 और ट्रैक में BT136 का इस्तेमाल करेंगे. MOC 3021 का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा. इसमें टोटल 6 पिन होते हैं जिसमें से फर्स्ट एनोड, सेकंड कैथोड, थर्ड NC, फोर्थ मेन टर्मिनल, फिफ्थ NC और सिक्स मेन टर्मिनल होगा. इसमें से ये IR LED है और ये डायक. इस ऑप्टोकॉपलर को IR डायक कॉम्बिनेशन ऑप्टोकॉपलर भी कहते हैं. IR LED और डायक के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता इसलिए इसे जीरो क्रॉस सर्किट भी कहते हैं. जब भी हम IR LED को ऑन करते हैं तो डायक एक्टिवेट हो जाता है और IR LED के ऑफ होते ही डायक डीएक्टिवेट हो जाता है. इसके बाद हम इस सर्किट में इस्तेमाल करेंगे ट्रैक BT136. ट्रैक मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप में अवेलेबल हैं. जहां पर हम ट्रैक का इस्तेमाल आउटपुट लोड के एम्पियर के अकॉर्डिंग करते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल लोड 4 एम्प हो तो हम इस्तेमाल करेंगे BT134. अगर 6 एम्पियर तक हो तो हम इस्तेमाल करेंगे BT136. 9 एम्पियर तक के लिए BT139. और अगर हमें 40 एम तक का किसी अप्लायंसेस या डिवाइस को ऑपरेट करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे BTA41. तो इस प्रकार आप अपने एसी लोड के अकॉर्डिंग ट्रैक को चेंज कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. उनके साथ हमें इस सर्किट के लिए लगेंगे 470 ओम टू पीसेस, 220 ओम सिंगल पीसेस. इसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे. इसके कनेक्शन में सबसे पहले MOC 3021 का पिन नंबर 4 का कनेक्शन BT136 के पिन नंबर 3 के साथ होगा. पिन 6 में एक 470 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जिसके दूसरे टर्मिनल को हम ट्रैक के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे. पिन नंबर 4 में भी हम 470 ओम का एक रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे जिसके दूसरे टर्मिनल को ट्रैक के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे. इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिकल लोड को कनेक्ट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिकल लोड के न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं. फेस का कनेक्शन ट्रैक के पिन नंबर 2 के साथ होगा. पिन नंबर 1 से दूसरा कनेक्शन लोड के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा. इस प्रकार एसी लोड के लिए कनेक्शन पूरा हो जाएगा. आवश्यकता के अनुसार आप ट्रैक के पीछे हीट सिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद एनोड पिन नंबर 1 में 220 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्शन होगा और पिन नंबर 2 कैथोड को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे. अब ट्रैक में इनपुट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5 वोल्ट DC, जो भी किसी बैटरी या ट्रांसफार्मर या SMPS से हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर किसी भी डिजिटल IC के आउटपुट को हम सीधे ही इसमें कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि डिजिटल IC जब भी हाई होगा तो इलेक्ट्रिकल लोड ऑन हो जाएगा. या फिर हम वायरलेस डिवाइस के चाहे वो RF हो IR हो उसके आउटपुट को भी इसमें सीधे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि उनके स्विचिंग के साथ IR LED ऑन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल लोड को एक्टिवेट कर देगा. या फिर इसे हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं. जब भी हम इनसे आउटपुट प्रोवाइड करेंगे तो IR LED ऑन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन कर देगा. सप्लाई हटाते ही वो फिर से उसे ऑफ कर देगा. MOC 3021
और लोड के एम्पियर के अकॉर्डिंग ट्रैक का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्किट को नॉर्मली टेस्ट करने के लिए हम 5 वोल्ट का SMPS इसके साथ कनेक्ट करेंगे। पहले ग्राउंड को करो ग्राउंड के साथ और एनोड में कनेक्ट करते ही ये LED बल्ब जलने लगेगा। डिसकनेक्ट करते ही ये ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से टेस्ट करने के बाद आप इसे किसी भी माइक्रोकंट्रोलर या डिजिटल IC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमने इसे Arduino बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें उसके एनोड को Arduino के पिन नंबर 13 के साथ और कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और सिंपल प्रोग्राम हमने अपलोड किया हुआ है Arduino प्रोग्राम में ब्लिंक LED ब्लिंक का, और उसके बाद हम इसे पावर सप्लाई देते हैं। तो ये कुछ उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और LED ब्लिंक में LED के साथ साथ ये इस CFL लाइट को भी ब्लिंक कर रहा है। इस प्रकार आप किसी भी प्रोग्राम को इसमें रन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद प्रवीण देहारी इन हिंदी, और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए ये बेल आइकॉन प्रेस करें।